दोस्तों जैसा आपको पता है Amazon ग्रेट इंडिया सेल जो है वो शुरू हो गया है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही कम दाम में मिल रहे हैं। आज की इस वीडियो में आपसे बात करेंगे पांच ऐसे स्मार्टफोन की जो आप सिर्फ 10,000 रुपये की रेंज में खरीद सकते हैं, वो भी ऑफर वगैरह लगा के। जिस तरह का अभी सेल चल रहा है Amazon पर, वहाँ से आप आसानी से उनको बाय कर सकते हैं। उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, अलग अलग ब्रांड्स के बारे में बताएंगे कि कौन सा आपको लेना चाहिए, और उसमें जो सिमिलर हमने रखा है वो है 4GB रैम और 64GB की स्टोरेज यानी रोम, जो कि सभी फोन्स के अंदर सिमिलर है, इससे कम नहीं है किसी भी फोन के अंदर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, इससे मेरी आने वाली इसी तरह की नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नंबर पांच पे जो हमारा स्मार्टफोन है वो है ओप्पो A15s और ये आपके आता है 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ। अगर बात करें दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की, यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। इसके अलावा यहाँ 6.52 इंच की HD प्लस स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है। इसी के साथ यहाँ पे आपको MediaTek का हेलियो P35 का इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है। यहाँ पे आपको रियल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है बैक में, और इसी के साथ यहाँ पे आपको बैटरी मिलती है 4230 mAh की। सनलाइट स्क्रीन है और यहाँ पे AI फेस लॉक है। यहाँ पे 3D कवर डिज़ाइन है। ये 4GB 64GB रोम रैम है और यहाँ पे अल ट्रिपल कैमरा है। यहाँ पे दोस्तों ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, बाकी आप यहाँ डाउन आके जो है इनके बारे में और जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है विद फोटो वीडियो पैनोरमिक पोर्ट्रेट टाइम लैप्स इन सभी के साथ में। यानी मेन कैमरा जो होगा वो हमारा रियर कैमरा, वो होगा 13 मेगापिक्सल का, और इसी के साथ यहाँ पे बाकी सब जो स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे 4G स्टैंड बाई है ड्यूल सिम में, इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसका जो प्राइस है अभी दोस्तों वो है 9,990 रुपीज़ ओप्पो A15s। अगर आप 10,000 रुपये के बजट में एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन देख रहे हैं तो आप ओप्पो A15s के साथ जा सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 4 पे जो हमारा स्मार्टफोन है वो है Redmi की तरफ से Redmi 9 Active, और ये कोरल ग्रीन कलर में है और कई सारे कलर हैं। यहाँ पे 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज है, ऑक्टा कोर हेलियो G35 का प्रोसेसर है, 5000 mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। इसी के साथ अगर इसके और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.53 इमर्सिव HD प्लस IPS डिस्प्ले मिल जाती है, और इसी के साथ यहाँ हेलियो G35 का प्रोसेसर मिल जाता है, हाई परिंजन वाला, 6GB रैम और 64GB और 128GB यानी दो वेरिएंट में आपको मिल जाता है। इसके अलावा MIUI 12 और Android 10 दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे डुअल सिम जो है वो है डेडिकेटेड माइक्रो स्लॉट। इसके साथ 5000 mAh की एनहेंस्ड लाइफ स्पैन बैटरी मिल जाती है। 5 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है, AI सेल्फी पोर्ट्रेट। यहाँ पे ऑरा एज डिज़ाइन मिल जाता है, स्काई ब्लू, स्पॉटी ऑरेंज एंड कार्बन ब्लैक, और यहाँ पे बाकी सब कुछ यहाँ पे नैनो वगैरह दिखाए गए हैं। बाकी दोस्तों अगर बात करें इसके प्राइस की, ये है सिर्फ 8,099 रुपये का Amazon पर, और इसका जो 6GB 128GB का वेरिएंट है अगर उसके प्राइस की बात करें तो वो इससे बढ़ जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे अगर हम इसके प्राइस को देखना चाहें तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाता है दोस्तों 10,499 रुपये का, यानी 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ आप इसको भी बाय कर सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है नंबर 3 पे हमारा सैमसंग गैलेक्सी M13, और ये मिडनाइट ब्लू कलर में आता है, 4GB रैम, 64GB स्टोरेज के साथ, 6000 mAh की बैटरी, और यहाँ पे आपको रैम प्लस भी मिलता है। इस तरह देखिए इसका कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पे ट्रिपल कैमरा दिया गया है बैक में, और यहाँ पे फ्लैश लाइट दी गई है। अगर बात करें दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन की, दोस्तों यहाँ पे आपको रैम प्लस दिया जाता है जिससे आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं, 12GB तक आप इसमें रैम बना सकते हैं, ये सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6000 mAh की बैटरी दी गई है, और उसी के साथ यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले दी गई है 6.6 इंच की। इसी के साथ यहाँ पे 850 का एक्सिनोज प्रोसेसर दिया गया है, और यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा है बैक साइड में, और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है।
यहाँ पे डुअल सिम नैनो विद ऑटो डेटा स्विचिंग दिया गया है, एंड्रॉइड 12 पे काम करता है और यहाँ पे आप इसकी स्टोरेज को 128 GB तक बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्नॉक्स सिक्योरिटी वगैरह भी यहाँ पे इसमें दी गई है। बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और ये जो प्राइस है दोस्तों वो है 9,499 रुपीज़। इसके बाद नंबर 2 पे जो हमारा स्मार्टफोन है वो है रेडमी 10 प्राइम और ये आपको मिलता है 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के साथ। अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे अल क्वेड कैमरा इसलैंड मिलता है आपको आईलैंड, और यहाँ पे 50 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 2 MP का मैक्रो विद 2x जूम है और 2 MP का डेप्थ सेंसर है। इसी के साथ यहाँ पे आप इसकी एक्सटेंडेबल रैम जो है वो 2 GB तक और बढ़ा सकते हैं विद रैम बूस्टर के साथ। यहाँ पे आपको जो इसकी डिस्प्ले मिलती है फुल HD डिस्प्ले मिलती है 6.5 इंच की और यहाँ पे 90 Hz एडेप्टिव रिफ्रेश रेट मिलता है। इसी के साथ MediaTek Helio का G88 का प्रोसेसर मिल जाता है आपको, 6200 mAh की बैटरी मिल जाती है, 192 ग्राम इसका लाइट वेट है और यहाँ पे आपको 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल जाता है। यहाँ पे इसका प्राइस है 9,999 रुपया। आप इसको भी बाय कर सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन और बढ़िया स्मार्टफोन है। उसके बाद दोस्तों नंबर 1 पे जो हमारा स्मार्टफोन आता है वो है Realme Narzo 50i प्राइम और यहाँ पे 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ये आपको मिलता है 5000 mAh की बैटरी के साथ। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पे आप यूनिसोक टिगर T612 प्रोसेसर इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है 32 GB और 64 GB दोनों स्टोरेज आपको मिल जाती हैं जिसको आप एक्सपेंडेबल बना सकते हैं 1 TB तक। इसी के साथ 6.5 HD प्लस डिस्प्ले आपको मिल जाती है, यहाँ पे 4 GB की रैम है और यहाँ पे 8 MP का रियर कैमरा और 5 MP का फ्रंट कैमरा है, फेस अनलॉक है, यहाँ पे एंड्रॉयड 11 पे काम करता है और यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है 10 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। ये तो हो गए दोस्तों हमारे 5 जो स्मार्टफोन हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बोनस स्मार्टफोन है टेक्नो स्पार्क 9 की तरफ से आता है और ये आपको 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के साथ मिलता है। और यहाँ पे अगर हम इसके स्पेसिफिकेशन की दोस्तों बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको इसमें प्रोसेसर मिलता है वो मिलता है MediaTek Helio G37 ऑक्टा कोर का प्रोसेसर। इसके साथ दोस्तों अगर हम बात करें इसके कैमरा की तो अल डुअल रियर कैमरा आपको मिल जाता है 13 MP में और यहीं पे आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, यहाँ पे एंड्रॉइड 12 पे काम करता है और 180 Hz टच सैम्पलिंग रेट है, 5000 mAh की यहाँ पे आपको बैटरी दी जाती है, DTS है। यहाँ पे देखिए 6 GB जो है वो आपको रैम मिलती है और इसको आप एक्सपेंडेबल बना सकते हैं 5 GB और एक्स्ट्रा करके 11 GB तक जो है आप इसको वर्चुअल रैम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो आता है 128 GB मेमोरी है और इसको आप एक्सपेंडेबल बना सकते हैं 512 GB तक। इसी के साथ यहाँ पे स्टाइलिश डिजाइन दिया गया है, 8 MP का सेल्फी कैमरा विद फ्रंट फ्लैश लाइट के साथ आता है। इसके साथ इसमें जो डिस्प्ले दी गई है 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है और यहाँ पे 90 Hz रिफ्रेश रेट आपको दिया जाता है डिस्प्ले में। और दोस्तों इस तरह से जो है ये आपको मिलता है 6 GB 128 GB मेमोरी के साथ। अगर दोस्तों आप एक 10,000 रुपये के बजट में एक बढ़िया और बेस्ट स्मार्टफोन देख रहे हैं तो जो 5 पहले बताए हैं वो या ये जो बताया है इनमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है बल्कि जो हमको बढ़िया लगा अमेजोन पे जो बेस्ट स्मार्टफोन है अंडर 10 के तो हमने उन्हीं को चूज़ किया और आपको बताया है। सो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें, इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।